आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने गांव विधानसभा क्षेत्र के करीब दर्जन भर गांव में जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर अलग अलग गांव में कृष्णपाल गुर्जर को पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने सभी जनसभाओं को संबोधित करते हुए आने वाली 25 तारीख को भाजपा के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश के जो हालात बदले हैं वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का ही नतीजा है, और यदि आने वाले समय में किसी अन्य पार्टी को चुनकर आपने अगर जो देश की सत्ता दे दी तो इसका भारी नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ सकता है। इलाके में मुझे पार्षद के रूप में भी देखा, राज्य में मंत्री के रूप में भी देखा, और 10 साल से सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में देख रहे हैं। और मैं ईमानदारी से कहता हूं, अगर 2009 का चुनाव मुझे आप नहीं जिताते तो मैं आज यहां नहीं होता जहां मैं आज हूं। उसके लिए मैं जिंदगी भर इस इलाके का आभारी रहूंगा। वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था जिसमें तमाम 36 बिरादरी ने मुझे आशीर्वाद दिया, और आज मैं इन 10 सालों में देश में जो परिवर्तन आया है और इलाके में जो परिवर्तन आया है उसकी बहुत लंबी कहानी है, विस्तार से बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी चीजें आपके ध्यान, क्योंकि सांसद मुझसे पहले भी रहे, एक नहीं दर्जनों रहे, उन्होंने इस इलाके को उनका क्या योगदान रहा, मंत्री भी रहे हैं उनका क्या योगदान रहा, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है, और हमने जो सेवा की है वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं। 2014 से पहले देश में एक ऐसा समय आ गया था जब पूरा देश निराशा में डूब गया था, उम्मीद के किरण दूर दूर तक नजर नहीं आती थी, क्योंकि देश में सुबह उठते थे तो अखबार में लाखों करोड़ों के घोटाले, मंत्री जेल जाते हुए